हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कॉन्सेप्ट ऑफ लैक ऑपेरॉन के बारे में। लैक ऑपेरॉन से जुड़े जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लैक ऑपेरॉन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन। लैक ऑपेरॉन इज अ सेट ऑफ जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज इन ई कोलाई। लैक ऑपेरॉन जीन का समूह होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है ई कोलाई में लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। यहाँ पे बोल रहे कि जीन का समूह होता है, तो जीन का मतलब होता है क्रोमोजोम में डीएनए की बनी हुई वो सबसे छोटी स्ट्रक्चर जो जेनेटिक कैरेक्टर को कैरी करता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर करता है, इसी का समूह को लैक ऑपेरॉन कहते हैं। और इसमें बोला जा रहा है ई कोलाई में मेटाबोलिज्म, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म। ई कोलाई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो कि रॉड शेप्ड का होता है और आमतौर पर यह गर्म ब्लड वाले जीवों के लोअर इंटेस्टाइन में पाया जाता है। मेटाबॉलिज्म के लिए मतलब मेटाबॉलिज्म करता है, मतलब मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हम जो खाते हैं उससे एनर्जी को बदलने में, जो खाया हुआ चीज को एनर्जी में कन्वर्ट करने को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। द लैक ऑपेरॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जैकोब एंड मोनार्ड इन 1961। लैक ऑपेरॉन को सबसे पहले जैकोब और मोनार्ड ने डिस्कवर्ड किया था 1961 में। लैक ऑपेरॉन कंटेन्स जीन इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। द जीन आर एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड ग्लूकोज इज एब्सेंट। जो लैक ऑपेरॉन जीन कंटेन करता है जो भाग लेता है मेटाबॉलिज्म में, जीन तभी एक्सप्रेस्ड होगा जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज होने से ये एक्टिव नहीं होगा। द ऑपेरॉन इज टर्न ऑन एंड ऑफ इन रिस्पॉन्स टू द ग्लूकोज एंड लैक्टोज लेवल। ऑपेरॉन का एक्टिवेशन डिपेंड करता है ग्लूकोज और लैक्टोज के लेवल के बेसिस पर। स्ट्रक्चर जीन्स ऑफ लैक ऑपेरॉन। द लैक ऑपेरॉन कंसिस्ट ऑफ थ्री स्ट्रक्चर जीन्स नेमली जेड, वाई एंड ए एंड थ्री कंट्रोल जीन्स नेमली ए प्रोमोटर जीन, इसको पी से डिनोट करते हैं, ए रेगुलेटर जीन जिसको आई से डिनोट करते हैं, एंड ऑपरेटर जीन जिसको ओ से डिनोट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि लैक ऑपेरॉन रिप्रेशन ऑपेरॉन को बाइंड करता है और जेड, वाई और ए जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि डीएनए पर प्रोटीन में फॉर्मेशन के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पाई जाती है। प्रोटीन के फॉर्मेशन में आरएनए की जरूरत होती है, तो डीएनए को टेम्पलेट के रूप में आरएनए का निर्माण किया जाता है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ लैक ऑपेरॉन। द स्ट्रक्चर जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थ्री एंजाइम्स नेमली बीटा ग्लैक्टोसिडेज बाय द जीन जेड, ग्लैक्टोसिड परमिस बाय द जीन वाई एंड द थाई ग्लैक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज वाज बाय द जीन ए। स्ट्रक्चर जीन्स तीन एंजाइम्स के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि जीन जेड द्वारा बीटा ग्लैक्टोसिडेज, जीन वाई द्वारा ग्लैक्टोसाइड परमिस एंड जीन ए द्वारा थियो ग्लैक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज। द ऑपरेटर जीन ऑक्युपाई पार्ट ऑफ प्रोमोटर जीन। व्हेन ए ऑपरेटर जीन इज एक्टिव द स्ट्रक्चर जीन सिंथेसाइज एंजाइम। ऑपरेटर जीन प्रोमोटर जीन के भाग पर कब्जा कर लेता है। जब ऑपरेटर जीन एक्टिव होता है तो स्ट्रक्चर जीन एंजाइम को सिंथेसिस करती है। द एक्टिविटी ऑफ ऑपेरॉन ऑपरेटर जीन इज डिसाइडेड बाय रेप्रेसर सिंथेसाइज्ड बाय द रेगुलेटर जीन। ऑपेरॉन जीन की एक्टिविटी रेगुलेटर जीन द्वारा सिंथेसाइज्ड एक रेप्रेसर द्वारा तय किया जाता है। व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट इन द कल्चर मीडियम ऑफ ई कोलाई द रेप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर जीन इज मेड नॉन फंक्शनल। This state of the operator gene is called repressed state and the phenomenon is called repression. During repression, the enzyme are not synthesized.
जब ई कोलाई के कल्चरल मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट होता है तो रेफ्रेशर मतलब ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ जाता है और ऑपरेटर जीन को नॉन फंक्शनल कर देता है, मतलब वो काम करना बंद कर देता है। इस ऑपरेटर जीन के स्टेट को रेफ्रेशर बोला जाता है और इस फिनोमिनन को रेफ्रेशन बोला जाता है। रेफ्रेशन के दौरान एंजाइम का सिंथेसिस नहीं होता है। व्हेन द रेफ्रेशर बाइंड टू द ऑपरेटर जीन, द आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बाइंड टू द प्रोमोटर एंड कैन नॉट अनवाइंड द डीएनए फॉर ट्रांसक्रिप्शन। जब रेफ्रेशर ऑपरेटर जीन आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड होता है तब वो प्रोमोटर के लिए बाइंड नहीं हो सकता है और ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए को इनएक्टिवेट नहीं कर सकता है। व्हेन लैक्टोज इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कल्चर मीडियम ऑफ ई कोलाई, इट डिफ्यूजेस इनटू द सेल एंड बाइंड टू द रेफ्रेशर प्रोटीन टू फॉर्म एन इनएक्टिव इंड्यूसर रेफ्रेशर कॉम्प्लेक्स। जब लैक्टोज को इंट्रोड्यूस किया जाता है ई कोलाई के कल्चरल मीडियम में तब वह सेल में डिफ्यूज हो जाता है और साथ ही बनाता है इनएक्टिव इंड्यूसर रेफ्रेशर कॉम्प्लेक्स। ये फिगर शो कर रहा है लैक ऑपरेंट के डिप्रेस्ड स्टेट को। The inactive inducer repressor complex cannot bind to the operator gene and the operator gene is set free to do the function. This active state of the operator gene is called derefreshion. Inactive inducer repressor complex operator gene के साथ नहीं जुड़ सकता है और इस वजह से operator gene function करने के लिए वो स्वतंत्र होता है, free state में होता है। ऑपरेटर जीन के इस एक्टिव स्टेट को डिरेप्रेस्ड स्टेज कहा जाता है और इस घटना को डिरेप्रेशन कहा जाता है। व्हेन द ऑपरेटर जीन इज डिरेप्रेस्ड, द आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर जीन, अनवाइंड द डीएनए एंड रीड इट्स। दिस इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर जीन्स। जब ऑपरेटर जीन डिरेप्रेस्ड होता है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है प्रोमोटर जीन से और खोल देता है डीएनए को और उसे रीड करता है। ये इनिशिएट करता है स्ट्रक्चरल जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को। द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स लीड टू द सिंथेसिस ऑफ थ्री एंजाइम, नेमली बीटा ग्लैक्टोसिड ग्लैक्टोसाइड परमिस एंड थाई ग्लैक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज। स्ट्रक्चरल जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन के लिए थ्री एंजाइम का सिंथेसिस होता है, जैसे बीटा ग्लैक्टोसिडेस ग्लैक्टोसाइड परमिस एंड थाई ग्लैक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज। इन द लैक ऑपरेंट सिस्टम द लैक्टोज फंक्शन एज एन इंड्यूसर फॉर द सिंथेसिस ऑफ थ्री एंजाइम, हेंस द लैक ऑपरेंट सिंथेसिस इज कॉल्ड एन इंड्यूसिबल सिस्टम। लैक ऑपरेंट सिस्टम में लैक्टोज फंक्शन करता है इंड्यूसर की तरह। इसमें क्या होगा, थ्री एंजाइम का सिंथेसिस करने के लिए लैक्टोज का यूज किया जाता है और इसे लैक्टोफेरॉन सिंथेसिस को इंड्यूसर सिस्टम भी कह सकते हैं। इसमें मतलब लैक ऑपरेंट को हम लोग इंड्यूसिबल सिस्टम भी बोल सकते हैं। द लैक ऑपरेंट एक्ट इंडिपेंडेंटली बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। द रेप्रेशर प्रोटीन एक्ट एज ए नेगेटिव रेगुलेटर एंड द CAMP एंड CAP प्रोटीन एक्ट एज ए पॉजिटिव रेगुलेटर। लैक ऑपरेंट में इंडिपेंडेंटली काम करता है, मतलब वो फ्री स्टेट में काम करेगा। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से पाया जाता है, जिसमें रेप्रेशर प्रोटीन एक्ट करता है नेगेटिव रेगुलेशन की तरह और CAMP और CAP प्रोटीन एक्ट करता है पॉजिटिव रेगुलेशन की तरह। इससे जुड़े जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं मैं वो बता देती हूँ। लैक ऑपरेंट इज एन एग्जांपल ऑफ ओनली पॉजिटिव रेगुलेशन ओनली नेगेटिव। इसमें क्या होगा कि लैक ऑपरेंट दोनों रेगुलेशन को वो फॉलो करता है, इसमें इसमें ए और बी दोनों होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज हाउ लॉन्ग डोज इट टेक फॉर द लैक ऑपरेंट टू बी एक्सप्रेस्ड। इसमें क्या होगा कि
लैक्टोज के प्रेजेंस होने पे ये कितना टाइम लेगा, तो ये आपका एज लॉन्ग एज लैक्टोज इज मोर देन ग्लूकोज कंसेंट्रेशन, ग्लूकोज से ज़्यादा लैक्टोज का कंसेंट्रेशन होना चाहिए तब ये मतलब उतना टाइम नहीं लेगा। Which of these act as an inducer of lactoferrin? Lactoferrin के लिए कौन inducer का काम करता है, तो वो allolactose है जो inducer का काम करेगा। The sequence of structure genes is in the lactoferrin is, देख सकते हैं जेड वाई ए किस तरह से है सीक्वेंस, आपको याद रखना होगा पहले जेड होगा फिर वाई होगा फिर ए होगा। रेगुलेशन ऑफ लैक्टोफेरॉन कैन बी इनविजनाइड एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स लैक्टोज सब्सट्रेट कार्बोहाइड्रेट, तीनों से होगा तो ऑल द अबव। लैक्टोफेरॉन विल बी टर्न ऑन व्हेन लैक्टोज इज मोर देन ग्लूकोज, लैक्टोज उसमें ज़्यादा होगा ग्लूकोज कम होगा तभी लैक्टोफेरॉन टर्न ऑन होगा, वो एक्टिव होगा। इन ए सेल एज इन ए सेल एज पर द ऑपेरन कॉन्सेप्ट द रेगुलेटर जीन गवर्न्स द केमिकल रिएक्शन बाय एंजाइम रिएक्शन इनएक्टिवेशन, एंजाइम के इनएक्टिवेशन द्वारा ही रेगुलेटर जीन गवर्न्स करेगा केमिकल रिएक्शन को। इन लैक ऑपेरन द जीन प्रोडक्ट ऑफ लैक ए जीन इज बीटा ग्लैक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जीन कौन सा एंजाइम का सिंथेसिस करती है, तीनों जीन का उसका सिंथेसाइज किसका करता है वो याद रखिएगा, तीनों में से कोई एक का पूछ सकता है। दिस कंडीशन इन लैक्टोफेरॉन फैसिलिटेट्स द कंडीशन ऑफ लैक जीन बीइंग ट्रांसक्राइब्ड एट हाई लेवल, हाई लेवल में कब, जब लो ग्लूकोज होगा और हाई लैक्टोज होगा तभी लैक्टोफेरॉन फैसिल कंडीशन बहुत अच्छा से ट्रांसक्राइब होगा। द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द लैक्टोफेरॉन इकोलाई फ्रॉम द फॉलोइंग इज लैक्टोफेरॉन मैसेंजर आरएनए इज ए पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए, तब ये बहुत ही अच्छी तरह से लैक्टोफेरॉन सिस्ट ऑन होगा अगर लैक्टोज एब्सेंस होगा तो।